कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे दुआ होती है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद से नवाजे। तो इसी नेक दुआ के साथ हम आज की वीडियो का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ, आज है ना हम बाहर आए हुए हैं। तो देखें मगरिब का टाइम है और मौसम जो है ना काफ़ी जो है ना अच्छा है, क्योंकि दिन को माँ इतनी गर्मी थी ना, इतना पसीना में आ रहा था। तो अब शुक्र है मौसम बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि मगरिब में मौसम अच्छा ही होता है। तुम क्या डांस कर रहे हो। वैसे हमने आपको कल सोनिया के बारे में बताया था कि उनका चैनल जो है ख़त्म हो गया है। तो रात जो है वो सोनिया जो है वो हॉस्पिटल में थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी चैनल की टेंशन की वजह से। और जो आंटी है सोनिया की अम्मी, वो भी बहुत ज़्यादा बीमार है, अभी तक भी वो हॉस्पिटल में है। तो आप लोगों ने उनके लिए दुआ करनी है। क्योंकि तो वैसे आंटी जो है ना उसे अभी होश नहीं आया, वो जो है ना अभी जो है ना होश में नहीं आई। तो हमने क्योंकि अबू ने नया अंकल को फ़ोन करके पूछा था कि कैसी है, तो उन्होंने कहा कि अभी उसे होश नहीं आया। तो उन्होंने वीडियो भी भेजी है, तो हमने वीडियो भी देखी है उनकी। तो अभी उन्हें होश बिल्कुल भी नहीं आया, तो हम भी जाएंगे तो उन्हें पूछने के लिए थोड़ी देर बाद। जी तो ऐसे हमारे दोस्त हैं और आंटी भी है, तो हम कैसे पूछने न जाएँ। उनके आज एक तो चैनल ख़त्म हो गया है और एक और बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वो हम जो है अभी आपको नहीं बता सकते। तो उनकी इजाज़त के बगैर हम आपको नहीं बता सकते, इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द बताएंगे। तो वैसे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो का एंड तक वॉच किया करें। और अक्सर लोग कमेंट्स करके नोशी के बारे में पूछते हैं कि उसकी आंख को यहाँ पर क्या हुआ है। तो ये जो है इसका पैदाइशी निशान है और इसकी सर्जरी होगी। सर्जरी के बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसलिए अभी हमने नहीं करवाई। तो जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो उन्होंने यहाँ की सर्जरी करवाएंगे। लोग जो है वो कहते हैं कि इसने खुद काला निशान लगाया हुआ है, इसे क्या ज़रूरत है निशान लगाने की, आप खुद देख सकते हैं। देखिए इस पे बाल भी हैं। तो व्यूअर्स अगर कोई किसी अच्छे डॉक्टर को जानता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी सर्जरी कर सकते हैं इसी जगह पे, तो आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। जी तो वैसे आपने हमारी मदद ज़रूर करनी है। नोश जो है इसकी वजह से बहुत परेशान रहती है। जी वैसे अभी जो है ना मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ, तो गोरमेंट में पढ़ती हूँ, तो इसलिए मुझे 3 महीने की छुट्टी हुई है। तो मैंने अम्मी का सर खाया हुआ है कि मुझे बस दांत करवाने, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आपको ना ठंडी मौसम का ऑपरेशन होगा, मतलब सर्जरी होगी, उसके 4-5 लाख लगते हैं। तो सर्जरी होगी तो इसलिए जो है ना ठंडी मौसम हो ताकि खून भी चलता रहे, पहले आधा करेंगे फिर दोबारा आधा करेंगे, 2 दफ़ा में सर्जरी होगी। तो हम चाहते हैं कि एक ही दफ़ा में सर्जरी हो जाए। अगर तो कोई आप में से किसी अच्छे डॉक्टर को जानता है तो हमें बताएं। जी व्यूअर्स मैं एक बार तो दर्द सह लूँगी, लेकिन एक बार जैसे मुझे दर्द होगा दूसरी बार मैं कैसे कंट्रोल अपने आप को कर पाऊँगी, तो इसलिए मुझे बहुत ही डर लगता है। तो आपने मुझसे ज़्यादा जो है ना आंटी के लिए दुआ करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि उनका ठीक होना जो है ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि हमें वार्ड टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी बस आप जो है ना हमारा जैसे इन दोनों में आपने हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कि हम जो है ना बहुत ही खुश होते हैं कि हमारे व्यूअर्स कमेंट्स करते हैं, क्योंकि आप हमारे पक्के व्यूअर्स हैं। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए कमेंट्स करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और हमारे जो है ना वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। क्योंकि यही दिन है जो है ना सपोर्ट के लिए, हमें जो है ना आपकी इस दिनों में बहुत ही सख्त ज़रूरत है आपके सपोर्ट के लिए। फिर से आप लोगों ने जो है आंटी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। और उनका घर जो है वो अकेला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि सोनिया जो है वो भी बीमार है और आंटी भी बीमार है, पता नहीं उनके घर कौन होगा। तो अभी जो है हम जाएंगे उनके पास। तो ऐसे देखें जब आपने भी दुआ करनी है और हम भी दुआ करेंगे कि उनके जो घरेलू मसले हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, ताकि सोनिया और मैं हम इकट्ठे वीडियो बना सकें जैसे पहले बनाया करते थे। जी बस जब सोनिया आप हमारे घर आती थी तो कितना हंसती थी, कितना तो आप जो है ऐसे लगते जैसे उसके मुंह पे कभी मुस्कुराहट भी नहीं आई। तो वो हमारी वीडियो बनाती थी खुशी खुशी से, देखे कैसे जब आप ही के रिश्ते वाले आए थे तो कैसे हंस रही थी, क्योंकि वो सोनिया जब वो कह रही थी कि अब हम जो हीर रांझे वाले वो ड्रामे हैं वो भी शुरू करेंगे। तो जी वज जो हमने पहले हीर रांझे वाला जो सीन किया था वो कुछ आधा था, उसमें कुछ कुछ थे और बने कुछ नहीं थे। तो इस इंशाल्लाह जब हम नया सीन बनाएंगे, न्यू सीन बनाएंगे, तो इसमें सब कुछ होगा जैसे हीर रांझे ने सच में बनाया था। आज जो है वो पानी आया हुआ है, तो हम जो है अपनी सब्जियों को पानी लगाएंगे। तो देखें खाली में पानी आया हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है। तो बारिश जो है ना नहीं आई, पता अल्लाह
नहीं क्या हमसे कौन सा इम्तिहान है, अभी तक बारिश भी नहीं आई, तो इसलिए जब बारिश आती है ना तो पूरा हमारा गांव जाना इतना साथ साथ क्या लगता है। नोशी जैसे जो जैसे नोशी ने कहा कि बारिश जो है वो नहीं आ रही क्योंकि कपास को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बारिशों की, इस बारिश अगर ना हो तो फसल अच्छी नहीं होती। तो नोशी जो है वो अंदर बाल्टी लेने गई है और देखिए खाल में पानी आया हुआ है, तो अभी जो हम इन मिर्चों को पानी लगाएंगे, मिर्चें ये और ये तूरियों की बेल भी है। तो देखें जो भिंडियाँ हमने लगाई थी वो जो है खुश्क हो गई हैं क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है तो इसलिए वो सूख गई हैं। क्योंकि ये जो जगह ये ऊंची है और खाल जो है वो नीचे है तो इसलिए हम ऐसे पानी लगाएंगे। मैं करूं जूता तो वही ले रहा है, जूता तुम्हारा नहीं था मेरा था। हाँ देखो मेरी कपड़े भी गीले हो गए। चलो चलो मैं तो ऐसे बैठ के करूंगी। आप बाहर का माहौल भी आप देख सकते हैं और देखें जो हमारा घास था उसे भी हमने पानी लगाया आज। और आप इतनी कुबीले हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा गांव कितना खूबसूरत है, कितने हरे भरे पौधे हैं। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि आपका गांव बहुत खूबसूरत है, तो माशाल्लाह से हमारा गांव जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। गांव तो होता ही खूबसूरत है, गांव नाम किसने रखा है। अभी भी पानी डालना पड़ेगा। तो फिर तो हमने इन्हें पानी लगा दिया है और अभी जो है ये मिर्चें जो है लग नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं ये लगती भी है या नहीं लगती, कोई ख़राब सही नहीं होगी ना पनीर इस वजह से। और देखें ये जो तूर हैं ये भी इन्होंने भी फूल उठाए हुए हैं तो ये भी लगेंगी, लगी हुई भी है एक मोटी मोटी तूरी। नशी तुम जो है आम के ऊपर चढ़ो और मेरे लिए कोई पक्का सा आम तोड़ के लाओ, मैं खुद नहीं खाऊंगी। खाए कपड़े अभी मेरे सारे गंदे हो गए, देखते हैं कि आम पक्के हैं या नहीं पके। ऑफिस में कैसे चढ़ूं ऑफिस सच्ची मैं पीछे से ऊपर चढ़ती जा रही हूँ, पैर गीले हैं तो गया लेकिन मैं चढ़ जाऊंगी, नहीं मेरे पैर गीले हैं इसलिए आप चढ़। तो वैसे भी आम जो है अभी कच्चे ही होंगे क्योंकि ये जो है देर से पकते हैं। अब ये दुपट्टा मेरे पैर से उतारना। अरे चलो नहीं तुम वापस आ जाओ, वैसे भी अभी कच्चे ही होंगे। हाँ जब पकते हैं तो खुद ब खुद गिरने लग जाते हैं। हाँ अभी देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। तो व्यूअर्स इसी के साथ हम आज की वीडियो का एंड करते हैं। हमारी दुआ है आपसे जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, जिनकी औलाद ने अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद से नवाजे। तो व्यूअर्स आपने जो है वीडियो को एंड तक वॉच करना है क्योंकि हमें वॉच टाइम की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। आपको पता है हम जनाब से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमारे चैनल को हमारी वीडियो को एंड तक देखना है,
क्योंकि यही दिन है स्पोर्ट करने के, तो हमारे इन दोनों में प्लीज़ आपकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है। तो आपने जो है ना हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है और हमारी वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी भी लगती कमेंट करके बता दिया करें, और हमारे हमें बार टाइम की बहुत सख्त ज़रूरत है, हम आपको पूरी वीडियो में बता चुके हैं इतनी बार। तो आप ना हम आपको हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं इतना, तो आप चला के एक साइड पर रख दिया करें वीडियो, ठीक है, ताकि आप तो नहीं देखते लेकिन हाँ इसकी वजह आपकी वजह से किसी और का फ़ायदा हो, तो देखें कितनी खुशी की बात है, आपकी वजह से कोई और खुश हुए। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।